أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب بالعالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار تلاوت کلام پاک سے محفل کا آغاز ہو چکا ہے اب اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں چار مصرے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں اس کے بعد محفل جناب شرر نقوی صاحب کے سپورٹ کروں گا وہ محفل کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے بطور ثواب چار مصروں سے آغاز کر رہا ہوں توجہ چاہتا ہوں آپ حضرات کی کہ یہ 14 ہیں تو الہی نظام زندہ ہے یہ 14 ہیں تو الہی نظام زندہ ہے انہی کے نام سے خالق کا نام زندہ ہے بھائی صاحب یہ 14 ہیں تو الہی نظام زندہ ہے انہی کے نام سے خالق کا نام زندہ ہے منا کے جشن ہم بتاتے ہیں زمانے کو ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کا امام زندہ ہے
हम ही वो लोग हैं जिनका इमाम जिंदा है, हम ही वो लोग हैं जिनका इमाम जिंदा है, हम ही वो लोग हैं जिनका इमाम जिंदा है। इन्हीं चार मिसरों के साथ मैं इससे कबल शरर साहब को आवाज़ दे रहा हूँ, हैदरी हैदरी अली या अली अलीन वलीउल्लाह। गदीर में सरकारी रिसालत माब ने हज़रत अली अलैहिस्सलाम को जब अपना जानशीन चुना है और लोगों में ऐलान किया है विलायत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का, तो दोनों हाथ बुलंद करके ऐलान किया है, तो लिहाजा अब गदीरी महफिल है तो गदीरी नारा होना चाहिए, दोनों हाथ बुलंद करके जिसे अब मैं गुजारिश कर रहा हूं जनाब शरण नकी साहब से कि वो आएँ और महफिल के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, आप उनके इस्तकबाल में बुलंद तरीन सलावात पढ़ें। बता लूँ सबसे पहले अल्लाह के बंदों को खुदा की ईद की मुबारकबाद पेश करता हूं और गुजारिश करता हूं बाआवाज़ बुलंद नारे सलावात पढ़ें। ये गदीर अल्लाह की ईद है और हमारा उसलूब रहा है, हमारी तहजीब रही है कि जब भी हम बात का आगाज़ करते हैं तो पहले हम्द, फिर नात, फिर मनकबत। वो अल्लाह जो सामे भी है, समी भी है, मुबस्सिर भी है, बसीर भी है, कादिर भी है, कदीर भी है, आलिम भी है, अलीम भी है, वो परवरदिगार के जिसकी हम्द नसर में ना हो सकी तो अल्लामा नसीम अमरोही साहब ने कलम उठाया और फरमाया क्या हम्द हो उसकी जो निहा है न आया है, क्या हम्द हो उसकी जो निहा है न आया है। अल्लाह हरे जलवा के जहाँ देखो वहाँ है, क्या हम्द हो उसकी जो निहा है न आया है। अल्लाह हरे जलवा के जहाँ देखो वहाँ है, दम भरती है खुद रूह के वो जाने जहाँ है, किस जा उसे ढूँढूँ के बिला कैद मका है, आरिफ की हद अक्ल से बाला वो समद है, महदूद न होने की ये हद है कि अहद है, आरिफ की हद अक्ल से बाला वो समद है, महदूद न होने की ये हद है के अहद है। तू मजमाए अजदाद है अव्वल आखिर, बे हाथ के बे पाँव के हर अमर पे कादिर, सीखा नहीं एक हर्फ हर एक इल्म में माहिर, बे गोश के सामे है, बे गोश के सामे है, बगैर आँख के बासिर, बे पर्दा है मौजूद, बे पर्दा है मौजूद, हिजाबों में निहा है, देखो तो यही है जो ना देखो तो नहीं है, बेपर्दा है मौजूद हिजाबों में निहा है, देखो तो यही है, देखो तो यही है जो ना देखो तो नहीं है। उसके बाद हम, उसके बाद नात का सिलसिला, वो रसूल के जो सिराज मुनीर है, वो रसूल के जो बशीर है, वो रसूल के जो ताहा है, वो रसूल के जो मुजम्मिल है, वो रसूल के जो मुदस्सिर है, वो रसूल के जो कायनात का पेशवा है, वो रसूल के जो उम्मत का रहनुमा है, वो रसूल के जो इल्म का मखज़न है, वो रसूल के जो सरताज पंजतन है, वो रसूल के जो वारिस चमन है, वो रसूल के जो रहमतुल आलमीन है, वो रसूल के जो खत्म मर्तबत है, वो रसूल के जो इल्म अव्वल है, वो रसूल के जो नूर अव्वल है, वो रसूल के जो अक्ल अव्वल है, वो रसूल के जो कलाम अव्वल है, वो रसूल के जो फिक्र अव्वल है। उस नबी की हम्द भी, उस नबी की नाद भी जब नसर में ना हो सकी तो अल्लामा इरफान हैदर आबदी साहब मरहूम ने पाकिस्तान की सरजमीन से कलम उठाया और उठाने के बाद कलम बंद कर दिया कि जब नात मुस्तफ़ा का असर बोलने लगे, जब नात मुस्तफ़ा का असर बोलने लगे, पत्थर भी सामने हो अगर बोल ले, जब नात मुस्तफ़ा का असर बोलने लगे, पत्थर भी सामने हो अगर बोलने लगे, पत्थर भी सामने हो अगर बोलने लगे, ऐ शहर इल्म, ऐ शहर इल्म, ऐसे भी कुछ शेर हों अता, ऐ शहर इल्म, ऐसे भी कुछ शेर हों अता, जो भी सुने वो बारे दिगर बोलने लगे, ऐ शहर इल्म, ऐसे भी कुछ शेर हो आता, जब नाते मुस्तफ़ा का असर बोलने लगे, पत्थर भी सामने हो अगर बोलने लगे, ऐ शहर इल्म, ऐसे भी कुछ शेर हो आता, जो भी सुने वो बारे दिगर बोलने लगे, ये चुप रहे तो सांस रुके जिब्राइल की, ये चुप रहे तो सांस रुके जिब्राइल की, बोले तो आयतों में असर बोलने लगे,
ये चुप रहे अल्लामा इरफान हैदर आबदी की शायरी सुना रहा हूँ आपको। ये चुप रहे तो सांस रुके जिब्राइल की, बोले तो आयतों में असर बोलने लगे, बोले तो आयतों में असर बोलने लगे। लोग हमसे कहते हैं कि तुम नात नहीं पढ़ते, अरे हमसे अच्छी तो कोई नात पढ़ ही नहीं सकता, इसलिए कि पहले नात खान के दीवाने हैं हम। कायनात के पहले नात खान जनाबे अबू तालिब के दीवाने यहाँ बैठे हुए हैं। जब नाते मुस्तफ़ा का असर बोलने लगे, पत्थर भी सामने हो अगर बोलने लगे, ऐ शहरेल में ऐसे भी कुछ शेर हो अता, जो भी सुने वो बारे दिगर बोलने लगे। ये चुप रहे तो सांस, शेर सुनिएगा, हिफाजत कीजिएगा शेर की। ये चुप रहे तो सांस रुके जिब्राइल की, बोले तो आयतों में असर बोलने लगे। नाते रसूल पाक का हक यूँ अदा करूँ, नाते रसूल पाक का हक यूँ अदा करूँ, कट जाए गर ज़बा तो नजर बोलने लगे। नाते रसूल पाक का हक यूं अदा करूं, कट जाए गर ज़बां तो नजर बोलने लगे। इरफान ये हुसैन के नाना का फैज है, इरफान ये हुसैन के नाना का फैज है, हम जैसे बेहुनर भी अगर बोलने लगे। इरफान ये हुसैन के नाना का फैज है, हम जैसे बेहुनर भी अगर। माशाल्लाह, अल्लाह सबको मुबारक करे ईद गदीर। और ये जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है गुफरा माफ फाउंडेशन की जानिब से, और हम दुआ करते हैं अल्लाह सलामत रखे मुमताज़ुल उलमा सैयद सैफ अब्बास साहब क़िबला को, कि उन्होंने इतनी खूबसूरती के साथ ये हफ्ता विलायत कायम किया है। हमारा ये पैगाम है, ये मैसेज है, जहाँ तक हमारी आवाज़ जा रही है, जो आप देख रहे हैं, आप सुन रहे हैं, उनसे भी गुजारिश है, जो बाद में सुनेंगे उनसे भी गुजारिश है, कम से कम एक हफ्ता जश्न गदीर होना चाहिए, इसलिए कि हमारा मौला किसी गली चौराहे का मौला नहीं। हमारा मौला गदीर खुम के मैदान में नबी अल्लाह ने 1,25,000 हाजियों के सामने अली अलैहिस्सलाम की विलायत का ऐलान किया है। मेरे मोहतरम सामईन, अली अलैहिस्सलाम को हाथों पर उठाया नबी अल्लाह ने, 1,25,000 हाजियों की 2,50,000 आंखों ने नबी के हाथों पर अली को देखा। नबी ने इरशाद फरमाया, मन कुन तो मौला हो फहाजा अली उन मौला, ये बनिए बकाल क्या समझेंगे अली क्या है। अली मौलाए गदीर है, अली जनाब अमीर है, अली दामाद रसूल है, अली शौहर बतूल है, अली ऐनुल यकीन है, अली यासूबुद्दीन है, अली काबे से बुतों को निकालने वाला है, अली काबे से बुतों को निकालने वाला है, अली अली सूरज को रोशनी देने वाला है, अली चांद को चमक दे, अली चांद को चांदनी देने वाला है, अली सितारों को चमक देने वाला है, अली असदुल्ला है, अली बाबुल इल्म है, अली तख्त ताज को ठोकर में रखने है, अली साबित कदम मौला है, अली हाफिज कुरान है, अली खैबर कुशा है, अली दर्जात की बुलंदी है, अली साहिब ज़ुल्फ़िकार है, अली रहबर इस्लाम है, अली जाहिद मौला है, अली साकी कौसर है, अली शजात का पहकर है, अली वारिस दीन है, अली यावर शरीयत है, अली खुतबा है, अली खतीब है, अली खताबत है, अली सदर है, अली मजदर है, अली सदारत है, अली हुक्म है, अली हाकिम है, अली हुकूमत है, अली अमन है, अली अमान है, अली अमानत है, अली कायम है, अली कयाम है, अली कयामत है, अली मरवी है, अली रावी है, अली रिवायत है, अली इस्लाम है, अली इस्लाम है, अली इस्लाम है, अली तस्लीम है, अली सलामत है, अली हदिया है, अली हादी है, अली हिदायत है, अली अमन है, अली अमान है, अली अमानत है, अली मतन है, अली मतीन है, अली मतानत है, अली अरफा है, अली रफ़ी है, अली रिफत है, अली अरफा है, अली रफ़ी है, अली रिफत है, अली जरूर है, अली जरूरी है, अली जरूरत है, अली जरूरत है, अली ईमान है, अली इकान है, अली एहसान है, अली दीन का सुल्तान है, अली बाहोश है, अली बेबाक है, अली बेमिसल है, अली हर मक्तल में रहमान है, अली पामर्द है, अली परकार है, अली पतवार है, अली पामर्दी की पहचान है, अली तकदीर है, अली तदबीर है, अली तथहीर की मीज़ान है, अली साबित है, अली सरवत है, अली इज्जत है, अली इज्जत है, अली
अली इज्जत है, अली इज्जत है, अली नेमत है, अली नेमत है, अली नेमत है, अली नेमत। आज मैं इसको बार बार कह रहा हूँ, अली नेमत है, अली नेमत है, अली नेमत है, अली सबकत है, अली इफाम है, अली तफीम है, अली मासूम है, अली मफहूम है, अली कामिल है, अली अकमल है, अली शाहिद है, अली मशहूद है, अली शाहिद है, अली मशहूद है, अली अव्वल है, अली आखिर है, अली जाहिर है, अली बातिन है, अली बातिन है, अली अली हैदर है, अली हैदर है, अली सफदर है, अली मुनिस है, अली तन्हा है, अली लश्कर है, अली लश्कर है, अली लश्कर है, अली कश्ती है, अली किनारा है, अली सहारा है, अली हमारा है। अली कश्ती है, अली कश्ती है, बस शायर को बुला रहा हूँ। अली कश्ती है, अली किनारा है, अली सहारा है। अली का नूर वो है जो आदम में आया तो इल्म बना, नूह में आया तो हिल्म बना, मूसा में आया तो हैबत बना, ईसा में आया तो जोहद बना, याकूब में आया तो सब्र बना, इब्राहिम में आया तो खुल्लत बना, तूर पर पहुँचा तो जलवा बना, मेराज में पहुँचा तो लहजा बना, काबे में आया तो औला बना, और गदीर में आया तो मौला। गदीर में आया तो मौला बना, तो फिर मिस्रे क्यों ना पढ़ूं। हाँ हाँ नसीब सबका सजा है गदीर में, मौला मेरा अमीर बना है गदीर में। हाँ हाँ नसीब सबका सजा है गदीर में, मौला मेरा अमीर बना है गदीर में। जिक्रे गदीर सुन के वो ऐसे खामोश है जैसे कि उसका बाप मरा है गदीर। जिक्रे गदीर सुन के वो ऐसे जिक्रे गदीर सुन के वो ऐसे खामोश है, जिक्रे गदीर सुन के वो ऐसे खामोश है। जिक्रे गदीर सुन के वो ऐसे खामोश है जैसे कि उसका बाप मरा है। जिक्रे गदीर सुन के वो ऐसे खामोश है। मौला सलामत रखे हमारे जमाल साहब को, नदीम साहब को। और फिर मैं ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि ये प्रोग्राम हफ्ता विलायत के नाम से मनाया जा रहा है, और आप भी ज़्यादा से ज़्यादा मुनक़िद कीजिए ताकि दुनिया को पता चले कि ये कौम जिसके आसरे पर है उसका नाम अली है, ताकि दुनिया को पता चले कि जैसे हम अली की शहादत पर मातम करते हैं वैसे ही अली अलैहिस्सलाम की आमद पर हम जश्न भी मनाते हैं। हफ्ता विलायत 18 गदीर से 24 तारीख तक, यानी गदीर से मुबाहले तक हम इसको मिला के बताना चाह रहे हैं। दुनिया वालों देख लो, ये जो गदीर में है ये भी सच्चे हैं, जो मुबाहले में है ये भी सच्चे हैं, और असल सच्चे तो यही हैं। बाकी लोगों को तो तारीखों ने मशहूर कर दिया। बस मैं गुफ्तगू को आगे बढ़ाता हूँ, और मेरी निज़ामत के दामन में बड़े खूबसूरत खूबसूरत गौहर हैं। कुछ गौहर ऐसे भी हैं कि जो गौहर नाम तो उनका हिंदुस्तान में रखा गया मगर फिक्र ख्याल उनकी शायरी उसी दरवाज़े से मिलती है जिसका आज जिक्र कर रहे हैं। मेरी मुराद है मोहतरम जनाब नजफ़ मुजफ़्फ़र नकवी साहब, नौजवान शायर हैं, बहुत अच्छे शेर कहते हैं, बहुत अच्छे अंदाज में पेश करते हैं। आप हजरात से गुजारिश है कि मिलजुल के उनके इस्तकबाल में बाआवाज़ बुलंद नारे सलावात इरशाद। सबसे पहला आप हजरात को जश्न ईद गदीर की मुबारकबाद पेश करता हूँ, और यहीं से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। समात कीजिएगा कि जो कहीं देखा नहीं आकर वो मंज़र देखिए, जो कहीं देखा नहीं आकर वो मंज़र देखिए, आज दो सूरज बराबर से मनव्वर देखिए। जो कहीं देखा नहीं आकर वो मंज़र देखिए, जो कहीं देखा नहीं आकर वो मंज़र देखिए,
आज दो सूरज बराबर से मनव्वर देखिए, खुद बताएंगे अली पहुंचे कहां तक उनके हाथ, आप तो बस रिफते दस्ते पयंबर देखिए। खुद बताएंगे अली पहुंचे कहां तक उनके हाथ, आप तो बस रिफते दस्ते पयंबर देखिए। सलवात पढ़ेंगे मर्तबा हजरत बाबा अब्दुल्ला। यहां से समात कीजिएगा, नजफ अशरफ में गदीर का मिसरा हुआ था, वहां का मिसरा था, करबला से भी नज़र आता है मैदान गदीर। समात कीजिएगा, मतला देखिएगा कि मधा है दरपेश तेरी आज सुल्तान गदीर, मधा है दरपेश तेरी आज सुल्तान गदीर, हों अता मुझको भी कुछ अशार कुरान गदीर। मधा है दरपेश तेरी आज सुल्तान गदीर। बस तज़मीन सुनानिया भी उलमाए कराम तशरीफ़ फरमा हैं, सब मुझसे बेहतर जानने वाले हैं। जब मौला ने पूछा करबला में कि मुझे क्यों कत्ल करना चाहते हो, तो सब ने एक ही जवाब दिया था, बुग्ज़न ले अबीक, आपके बाबा के बुग्ज में। अब तज़मीन समात कीजिएगा, देखेगा शायद किसी लायक हो, कि मधा है दरपेश तेरी आज सुल्तान गदीर, हों अता मुझको भी कुछ अशार कुरान गदीर। कत्ल सरवर से नजफ मालूम ये सबको हुआ, करबला से भी नज़र आता है मैदान गदीर। कत्ल सरवर से नजफ मालूम ये सबको हुआ, कत्ल सरवर से नजफ मालूम ये सबको हुआ, करबला से भी नज़र आता है मैदान गदीर। कि मरने न देगा हमको उजाला गदीर का, मरने न देगा हमको उजाला गदीर का, तुर्बत में भी चिराग जलेगा गदीर का। मरने न देगा हमको उजाला गदीर का, तुर्बत में भी चिराग जलेगा गदीर का। सिफ़ीनो नहरवान से भागे मुनाफिकीन, जब मोर्चे पे आ गया दूल्हा गदीर का। सिफ़ीनो नहरवान से भागे मुनाफिकीन, सिफ़ीनो नहरवान से भागे मुनाफिकीन, सिफ़ीनो नहरवान से भागे मुनाफिकीन, जब मोर्चे पे आ गया दूल्हा गदीर का, जब मोर्चे पे आ गया दूल्हा गदीर का। शेर समात कीजिएगा कि जब मोर्चे पे आ गया दूल्हा गदीर का, मुफलिस नहीं रहेगी मोहम्मद की दीनियात, मुफलिस नहीं रहेगी मोहम्मद की दीनियात, है इतना उसके पास खजाना गदीर का। मुफलिस नहीं रहेगी मोहम्मद की दीनियात, मुफलिस नहीं रहेगी मोहम्मद की दीनियात, है इतना उसके पास खजाना गदीर का। सलवात पढ़ेंगे मर्तबा हजरत बाबा अब्दुल्ला। समात कीजिएगा कि गमे हुसैन तेरी अंजुमन में पैदा हुए, जमाल भाई समात कीजिएगा कि गमे हुसैन तेरी अंजुमन में पैदा हुए, जो खुश नसब थे वो अच्छे चमन में पैदा हुए। चौथा मिसरा समात कीजिएगा कि गमे हुसैन तेरी अंजुमन में पैदा हुए, जो खुश नसब थे वो अच्छे चमन में पैदा हुए। वगरना खामशी रहती दयारे दोजख में, हजारों बच्चे अली की जलन में पैदा हुए। वगरना खामशी रहती दयारे दोजख में, वगरना खामशी रहती दयारे दोजख में, या अली, वगरना खामशी रहती दयारे दोजख में, हजारों बच्चे अली की जलन में पैदा हुए। समात कीजिएगा कि जिन आंखों में अश्के गमे सरवर नहीं होते, जिन आंखों में अश्के गमे सरवर नहीं होते, उन आंखों में जन्नत तेरे मंजर नहीं होते। जिन आंखों में अश्के गमे सरवर नहीं होते, उन आंखों में जन्नत तेरे मंजर नहीं होते। हैदर के तकाबुल में उन्हें लाता है वाइज, रुतबे में जो कंबर के बराबर नहीं होते। हैदर के तकाबुल में उन्हें लाता है वाइज, शेर सुना रहा हूँ हजरात के सामने, कि हैदर के तकाबुल में उन्हें लाता है वाइज, रुतबे में जो कंबर के बराबर नहीं होते। बरपा हो जहाँ हजरत शब्बीर का मातम, बरपा हो जहाँ हजरत शब्बीर का मातम, वो घर कभी फिरदौस से कमतर नहीं होते। बरपा हो जहाँ हजरत शब्बीर का मातम, बरपा हो जहाँ हजरत शब्बीर का मातम। शेर समात कीजिए, सेब भाई देखिएगा शायद किसी लायक को, समात कीजिए, उलमाए कराम का मजमा है। शेर समात कीजिए, बरपा हो जहाँ हजरत शब्बीर का मातम, वो घर कभी फिरदौस से कमतर नहीं होते। अरे जैनब तेरे खुतबों की अगर धूप ना पड़ती, फिर ज़हन यजीदी कभी बंजर नहीं होते। जैनब तेरे खुतबों की अगर धूप ना पड़ती, 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 फिर ज़हन यजीदी कभी बंजर नहीं होते। आज की तारीख के हवाले से शेर समात कीजिएगा, सब शेर इसी शेर के लिए सुनाए हैं। समात कीजिएगा कि जैनब तेरे खुतबों की अगर धूप ना पड़ती,
फिर ज़हन यजीदी कभी बंजर नहीं होते। जिन आँखों में अश्के ग़म सरवर नहीं होते, उन आँखों में जन्नत तेरे मंजर नहीं होते। हैदर के तकाबुल में उन्हें लाता है वाइज, रुतबे में जो कम्बर के बराबर नहीं होते, रुतबे में जो कम्बर के बराबर नहीं होते। अरे एहसास गदीरी जिन्हें तड़पाता है हर दम, उन लोगों के इजलास में मिंबर नहीं होते। एहसास गदीरी जिन्हें तड़पाता है हर दम, एहसास गदीरी जिन्हें तड़पाता है हर दम, एहसास गदीरी जिन्हें तड़पाता है हर दम, उन लोगों के इजलास में मिंबर नहीं होते। एहसास गदीरी जिन्हें तड़पाता है हर दम, उन लोगों के इजलास में मिंबर नहीं होते। गर चेहरे पे असगर का लहू मलते ना सरवर, गर चेहरे पे असगर का लहू मलते ना सरवर, ये दाने गंदुम ये समंदर नहीं होते। मैंने शेर पढ़ा आप हजरात के सामने, समाप्त कीजिएगा अब, पैगाम समाप्त कीजिएगा, यहाँ से समाप्त कीजिएगा, पैगाम समाप्त कीजिएगा। आज दुनिया में हर कोई कह रहा है मैं लीडर हूँ इस कौम का, मैं इस कौम का रहबर हूँ। शेर समाप्त कीजिएगा, शायद देखिएगा किसी लायक को समाप्त कीजिएगा कि गर चेहरे पे असगर का लहू मलते ना सरवर, ये दाने गंदुम ये समंदर नहीं होते। एहसास गदीरी जिन्हें तड़पाता है हर दम, उन लोगों के इजलास में मिंबर नहीं होते। ये खुतबे सज्जाद ने ऐलान किया है, जो जुल्म से डर जाए वो रहबर नहीं होते। ये खुतबे सज्जाद ने ऐलान किया है, 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 जो जुल्म से डर जाएं वो रहबर नहीं होते, जो जुल्म से डर जाएं वो रहबर नहीं होते। शेर समाप्त कीजिएगा, जो जुल्म से डर जाएं वो रहबर नहीं होते। मुझ पर यह नजफ फातिमा जहरा का करम है, मुझ पर यह नजफ फातिमा जहरा का करम है, वरना मेरे अशार कदावर नहीं होते। मुझ पर यह नजफ फातिमा जहरा का करम है, वरना मेरे अशार कदावर नहीं होते। आखिर में एक मतलब और दो तीन शेर पढ़ने आप हजरात के सामने समाप्त कीजिएगा। पहले क्योंकि नजफ का जिक्र चल रहा था तो बस एक मतलब और दो तीन शेर पढ़ता हूँ, क्योंकि नजफ में ही पढ़े थे। कैसे बताऊँ आपको क्या क्या नजफ में है, कैसे बताऊँ आपको क्या क्या नजफ में है, जो है लिसान कुन वो सहीफा नजफ में है। कैसे बताऊँ आपको क्या क्या नजफ में है, जो है लिसान कुन वो सहीफा नजफ में है, जो है लिसान कुन वो सहीफा नजफ में है। ए तालिबान इल्म चलो सर के बल चलें, ए तालिबान इल्म चलो सर के बल चलें, क्योंकि हर एक इल्मी खजाना नजफ में है। ए तालिबान इल्म चलो सर के बल चलें, ए तालिबान इल्म चलो सर के बल चलें, क्योंकि हर एक इल्मी खजाना नजफ में है। शाहों के सर झुके हैं तो हैरत की बात क्या, शाहों के सर झुके हैं तो हैरत की बात क्या, जब कुल जहां का पालने वाला नजफ में है। शाहों के सर झुके हैं तो हैरत की बात क्या, जब कुल जहां का पालने वाला नजफ में है। शाहों के सर झुके हैं तो हैरत की बात क्या, जब कुल जहां का पालने वाला नजफ में। आखिर में एक मतलब और दो तीन शेर सुनाता हूँ, बिल्कुल एकदम नया कलाम है शहजादी के हवाले से, समाप्त कीजिएगा। कि गर शान में शहजादी की हमें अशआर अता हो जाते हैं, गर शान में शहजादी की हमें अशआर अता हो जाते हैं, अफकार कसर ढकने के लिए अल्फाज रिदा हो जाते हैं। अरे मैंने मतलब पढ़ा हजरात के दरमियान के गर शान में शहजादी की हमें अशआर अता हो जाते हैं, अफकार कसर ढकने के लिए अल्फाज रिदा हो जाते हैं। सलमान से फिजा कहती हैं शायद ये तुम्हें मालूम नहीं, जहरा की कनीजी में रहकर हम क्या से क्या हो जाते हैं। सलमान से फिजा कहती हैं शायद ये तुम्हें मालूम नहीं, जहरा की कनीजी में रहकर हम क्या से क्या हो जाते हैं, जहरा की कनीजी में रहकर हम क्या से क्या हो जाते हैं। शेर सुनिएगा, जहरा की कनीजी में रहकर हम क्या से क्या हो जाते हैं। शब्बीर का मातम जिंदा है, मेहनत है जनाबे जैनब की, फतवे तो हजारों उठते हैं हर साल हवा हो जाते हैं। शब्बीर का मातम जिंदा है, मेहनत है जनाबे जैनब की, शब्बीर का मातम जिंदा है, मेहनत है जनाबे जैनब की, शब्बीर का मातम जिंदा है, मेहनत है जनाबे जैनब की, फतवे तो हजारों उठते हैं हर साल हवा हो जाते हैं। शब्बीर का मातम जिंदा है, मेहनत है जनाबे जैनब की, फतवे तो हजारों उठते हैं हर साल हवा हो जाते हैं। ये कह के नबी ने ओढ़ी थी
जहरा की रिदा सर ताबा कदम। शेर सुनिएगा, ये कह के नबी ने ओढ़ी थी जहरा की रिदा सर ताबा कदम, जहरा की रिदा के साए भी नबियों की दवा हो जाते हैं। ये कह के नबी ने ओढ़ी थी जहरा की रिदा सर ताबा कदम, ये कह के नबी ने ओढ़ी थी जहरा की रिदा सर ताबा कदम, जहरा की रिदा के साए भी नबियों की दवा हो जाते हैं। शब्बीर का मातम जिंदा है, मेहनत है जनाबे जैनब की, फतवे तो हजारों उठते हैं हर साल हवा हो जाते हैं। अब शेर समाप्त कीजिएगा, अय्याम अज़ा आने वाला है। हर आदमी अपने दिल की कैफियत जानता है कि जब अय्याम अज़ा आता है तो उसके दिल की और उसके गांव की क्या कैफियत होती है। समाप्त कीजिएगा कि फतवे तो हजारों उठते हैं हर साल हवा हो जाते हैं, है ऐसे गांव भी दुनिया में जो माह अज़ा के आने पर, है ऐसे गांव भी दुनिया में जो माह अज़ा के आने पर कुछ शहर नजब बन जाते हैं, कुछ कर्बला हो जाते हैं। है ऐसे गांव भी दुनिया में जो माह अज़ा के आने पर, है ऐसे गांव भी दुनिया में जो माह अज़ा के आने पर। अली और वलीउल्लाह या अली। है ऐसे गांव भी दुनिया में जो माह अज़ा के आने पर, है ऐसे गांव भी दुनिया में जो माह अज़ा के आने पर, है ऐसे गांव भी दुनिया में जो माह अज़ा के आने पर कुछ शहर नजफ बन जाते हैं, कुछ कर्बला हो जाते हैं। हैं ऐसे गांव भी दुनिया में जो माह अज़ा के आने पर कुछ शहर नजफ बन जाते हैं, कुछ कर्बला हो जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप हजरात का। सलवात पढ़ा आप हजरात बाआवाज़ बुलंद। जनाब नजफ साहब मुजफ्फर नगरी आपके रूबरू थे और आपने समात फरमाया, बहुत अच्छे अच्छे शेर सुना रहे थे आपको। वो गदीर से आपको कर्बला तक ले आए, लेकिन मैं फिर आपको गदीर में लेके आता हूँ। मेरे उस्ताद मरहूम अल्लामा मौजूद संभली साहब फरमाते हैं कि किया था अहदे विलायत किसी से तुमने कभी, किया था अहदे विलायत किसी से तुमने कभी, तुम्हारे उसको सगीरो कबीर भूल गए। किया था अहदे विलायत किसी से तुमने कभी, तुम्हारे उसको सगीरो कबीर भूल गए। वो 30 पारों का कुरा तो हिफ्ज कर डाला, ये 4 हर्फों का लफ्ज़ गदीर भूल गए। वो 30 पारों का कुरा तो हिफ्ज कर डाला, वो 30 पारों का कुरा तो हिफ्ज कर डाला, ये 4 हर्फों का लफ्ज़ गदीर भूल गए, ये 4 हर्फों का लफ्ज़ गदीर भूल गए। गदीर की शान ही निराली है। उधर अल्लाह के रसूल का काफिला हज करके वापस आ रहा था, दरमियान में गदीर खुम का मैदान पड़ा। नबी अल्लाह का काफिला आ रहा है, ऊँट सरमस्त होके चल रहे हैं, घोड़ों के सुमों से पत्थर टकराकर चरागा का मंजर पेश कर रहे थे। इधर से ये काफिला मोहम्मद की क़यादत में चला, उधर से आयतों का काफिला जिब्रील की क़यादत में चला। वैसे तो जिब्रील रोज़ आया करते थे, कभी ताहा कहकर, कभी यासीन कहकर, कभी मुदस्सिर कहकर, कभी मुजम्मिल कहकर, लेकिन आज जो आए हैं तो अंदाज़ बदला हुआ है। ओहदे से ख़िताब करके फरमाते हैं, या अय्युहर रसूल बल्लिग़, ए रसूल तबलीग कर दीजिए। बस अल्लाह के प्यारे नबी ने, अल्लाह के प्यारे नबी ने अपने पाक परवरदिगार का ये पैगाम सुना। अल्लाह जुमला आपके हवाले, अल्लाह का प्यारा नबी सवारी से नीचे उतरा, मगर अल्लाह के प्यारे नबी का सवारी से नीचे उतरने का अंदाज ये था कि जब अल्लाह का प्यारा नबी सवारी से नीचे उतरा तो कोई दिल में उतर गया, कोई दिल से उतर गया। कोई दिल में उतर गया। बस 2 शायर हैं, 1 घंटे का वक्त है इस महफिल का। हमें मुमताज़ुल उलमा ने बताया कि 1 घंटे महफिल होना है, तो 2 शायर और हैं, तो मैं मुख्तसर करूँगा गुफ्तगू। चाहता ये हूँ कि ज़रा नस्र थोड़ी सी पहुँच जाए लोगों तक, जहाँ तक हमारी आवाज़ जा रही है। और फिर गुजारिश करूँगा कि हफ्ता विलायत मनाइए, हफ्ता विलायत मनाइए, हफ्ता विलायत मनाइए, इसलिए कि हमारा इमाम, हमारा मौला किसी गली कूचे का मौला नहीं है। मर्द मैदा की बात करते हैं, मर्द मैदा की बात करते हैं, शेर यजदा की बात करते हैं, काना फूसी के हम नहीं कायल, हम तो मैदा की बात करते हैं। शाह मर्दा की बात करते हैं, शेर यजदा की बात करते हैं, काना फूसी के हम नहीं कायल, हम तो मैदान की बात करते हैं, मैदान की बात करने वाले हैं। नबी ने काफिला रुकवाया, कुछ पीछे रह गए थे, कुछ आगे चले गए। नबी ने कहा जो आगे चले गए उनको कॉल बैक करो, जो पीछे रह गए उनका वेट करो। जो आगे चले गए थे उनको रजत करवाई,
क्योंकि उसका ऐलान होना जिसने सूरत पलटाया था। अरे बोलिए, थोड़ा सा बोलिए। जो आगे चले गए थे उनको रजत कराई, जो पीछे रह गए थे उनका वेट किया, और जब सारा मजमा एक मरकज एक महवर पर जमा हुआ तो अल्लाह के प्यारे नबी ने कहा मेंबर बनाओ। मुसलमानों ने कहा या नबी अल्लाह, मदीने में बताते तो वहाँ से ले आते, मक्के में बताते तो वहाँ से ले आते, ये गदीर खुम का चटियल मैदान है, यहाँ मिंबर बनाएं तो कैसे बनाएं। अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरे सहाबियों, मेरे हाजियों, मेरे नमाजियों, मिंबर बनाओ, मिंबर बनाओ, मिंबर बनाओ। सहाबियों ने हाथ जोड़ के कहा या नबी अल्लाह मिंबर नहीं बना सकते। अल्लाह के नबी ने कहा मिंबर बनाओ। सहाबियों ने हाथ जोड़ के कहा या नबी अल्लाह मिंबर नहीं बना सकते। नबी ने कहा मिंबर बनाओ। हाथ जोड़ के सहाबियों ने कहा नबी अल्लाह मिंबर नहीं बना सकते, मिंबर नहीं बना सकते। आप मदीने में बताते तो वहां से ले आते, मक्के में बताते तो वहां से ले आते। नबी ने अपनी जिंदगी में सहाबियों से यह इकरार ले लिया कि तुम में मिंबर बनाने की सलाहियत नहीं है। अरे भाई, नबी ने अपनी जिंदगी में सहाबियों से इकरार ले लिया कि उनके अंदर मिंबर बनाने की सलाहियत नहीं है। तो भाई, जिनके अंदर मिंबर बनाने की सलाहियत ना हो, उन्हें साहिबाने मिंबर बनाने की सलाहियत किसने दे? बस तो मैं एक एक शेर पढ़ता हूं। आज जितना अली अली कीजिए कम है, इसलिए कि सारी दुनिया में अजीब व गरीब फिक्र पैदा हो गई है, इतना अली अली क्यों करते हो, इतना अली अली क्यों करते हो। भाई, हमारे खून की मजबूरी है। अली अली करना हमारे खून की मजबूरी है, और अली से अदावत रखना ये आपके खून की मजबूरी है। आप अपने खून से मजबूर हैं, हम अपने खून से मजबूर हैं। हमें तो माओ ने घुट्टियों में अली अली पिलाया है, हमने घुट्टियों में अली अली पिया है, और हम क्या, अल्लाह भी अली अली करता है। हद हो गई, उसने अपना नाम अली रख लिया। हाय हाय, उसको पता था कि अली अलैहिस्सलाम के दुश्मन बहुत होंगे। अल्लाह ने कहा कहाँ तक हटाओगे, कहाँ तक घटाओगे, मेरा भी नाम अली है, मेरे वली का भी नाम अली है। परेशान हैं इतने नारे क्यों, परेशान हैं इतना अली क्यों। मैंने कहा अभी तुम खाली मौलाइयों से मिले हो, उनसे नहीं मिले, उनसे मिलोगे तो मर जाओगे। हाय हाय, किनसे मिलोगे। मैंने कहा फुराते बुग्ज में आखिर उबाल क्या होगा, खुदा ही जाने तुम्हारा ख्याल क्या होगा। अली अली की सदाओं से बौखलाए हो, नुसैरियों से मिलोगे तो हाल क्या होगा। अली अली के सदाओं से बौखलाए हो, नुसैरियों से मिलोगे तो हाल क्या, मर जाओगे। नुसैरियों से मिलोगे तो हाल क्या होगा। आइए हजरात, इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। और ये देखिए, देखिए इनाम भी है। लॉकडाउन में पहली महफिल है जिसमें इनाम आया है, वरना सब ने ऑनलाइन पढ़वा के ऑनलाइन इनाम भी दे दिया है और ऑनलाइन दाद भी दे दी है। हाँ, शायरे मौला को जो भी पैसा देगा एक बार, शायरे मौला को जो भी पैसा देगा एक बार, देंगे मौला एक के सौ, सौ के देंगे दस हज़ार। आप हैं मौलाई, आप हैं मौलाई, है शाने सखावत आप में, दे नहीं सकता हमें पैसा कभी भंगी चमार। आइए हजरात, नारा हैदरी। आइए सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं अकबरपुर की सरजमीन पर। बहुत खूबसूरत आवाज़ है, बहुत प्यारा तरन्नुम है, इंशाअल्लाह आप महसूस फरमाएंगे। हुसैनी अकबरपुरी साहब से गुजारिश है कि तशरीफ़ लाएँ। आप हजरात से गुजारिश है कि मिलजुल के बावाज़ बुलंद नारा सलावात। सबसे पहले आप सबकी खिदमत में यौम गदीर की तहनियत व तबरीक पेश करता हूँ, और गुजारिश है कि एक बावाज़े बुलंद तरीन सलवात इरशाद फरमा दें। चार मिसरों से आगाज़ करता हूँ, मुलाजा फरमाएंगे नजफ भाई। चार मिसरों से आगाज़ करता हूँ। अली से जो है जुदा वो जुदा है काबे से, अली से जो है जुदा वो जुदा है काबे से, अली का इश्क हकीकी वफा है काबे से, अली का इश्क हकीकी वफा है काबे से, अली से जो है जुदा वो जुदा है काबे से, अली का इश्क
حقیقی وفا ہے کعبے سے اور مخالفین تبرہ تجھے نہیں معلوم چلی ہے رسم تبرہ پتا ہے کعبے سے چلی ہے رسم تبرہ پتا ہے کعبے سے مخالفین تبرہ تجھے نہیں معلوم ایک سلوات بھیج عظمت محمد والے محمد مخالفین تبرہ تجھے نہیں معلوم چلی ہے رسم تبرہ پتا ہے کعبے سے اور شیر ملاحظہ فرمائیے ذکر علی کو جتنا مقصر دبائیں گے مولائیوں کا مجمع شیر ملاحظہ فرمائیے مولائیوں کا مجمع شیر ملاحظہ فرمائیے ذکر علی کو جتنا مقصر دبائیں گے اتنا ہی ہم یہ ذکر سنیں گے سنائیں گے ذکر علی کو جتنا مقصر دبائیں گے اتنا ہی ہم یہ ذکر سنیں گے سنائیں گے ذکر غدیر جب بھی کرو گے حسینیوں کچھ لوگ مسکرائیں گے کچھ دل ملائیں گے حضرات مدے حاضر میں دو تین شعر ملاحظہ فرما لیں کہ اوجھل نہ ہو نگاہوں سے منظر غدیر کا اوجھل نہ ہو نگاہوں سے منظر غدیر کا آواز دے رہا ہے یہ پتھر غدیر کا آواز دے رہا ہے یہ پتھر غدیر کا سورج چمک رہا ہے ولائی ضیا سے آج سورج چمک رہا ہے ولائی ضیا سے آج نور علی سے دن ہے منور غدیر کا نور علی سے دن ہے منور غدیر کا نور علی سے دن ہے منور غدیر کا تبلیغ دین اس کے سوا اور کچھ نہیں تبلیغ دین اس کے سوا اور کچھ نہیں اگر شعر حقیقت کے آئینے میں نکھرتا ہوا نظر آئے تو دعا دے دیجئے گا تبلیغ دین اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے مسجدوں میں اس لیے منبر غدیر کا ہے مسجدوں میں اس لیے منبر غدیر کا تبلیغ دین اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے مسجدوں میں اس لیے منبر غدیر کا سردار انبیاء کی نبوت اسی سے ہے سردار انبیاء کی نبوت اسی سے ہے آیت بتا رہی ہے یہ تیور غدیر کا 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 حضرت مقتے کا بھی شعر سنیے سارے شعر چھوڑتے ہوئے مقتے کا شعر مجھ کو گلے لگا کے کہا جبرائیل نے یہ ہے حسینی یہ ہے سخنور غدیر کا یہ ہے حسینی یہ ہے سخنور غدیر کا آزاد ایک سلوات بھیج دے عظمت محمد والے محمد پر حضرت سلام کے کچھ شعر پیش کرتا ہوں ملاحظہ فرمائیے کہ ذکر شبیر میں جو لوگ انا کرتے ہیں ذکر شبیر میں جو لوگ انا کرتے ہیں شخصیت اپنی وہ مجروح کیا کرتے ہیں شخصیت اپنی وہ مجروح کیا کرتے ہیں تاجر مجلس و ماتم جو ہوا کرتے ہیں تاجر مجلس و ماتم جو ہوا کرتے ہیں فاطمہ زہرا کی نظروں سے گرا کرتے ہیں فاطمہ زہرا کی نظروں سے گرا کرتے ہیں اور شعر ملاحظہ فرمائیے آپ کے عقیدے کے حوالے سے شعر پڑھو ملاحظہ فرمائیے شے کے دشمن سے وہی لوگ وفا کرتے ہیں شے کے دشمن سے وہی لوگ وفا کرتے ہیں جو عزائے شہ والا سے دغا کرتے ہیں شے کے دشمن سے وہی لوگ وفا کرتے ہیں جو عزائے شہ والا سے دغا کرتے ہیں عصر عاشور لہو دے کے یہ بولے شبیر
اثر عاشور لہو دے کے یہ بولے شبیر خاک کربل تجھے ہم خاک شفا کرتے ہیں خاک کربل تجھے ہم خاک شفا کرتے ہیں عصر عاشور لہو دے کے یہ بولے شبیر خاک کربل تجھے ہم خاک شفا کرتے ہیں رکھتا ہے پنجہ بھی عباس کی ہیبت کا اثر شیر ملاحظہ فرمائیے رکھتا ہے پنجہ بھی عباس کی ہیبت کا اثر شیخ جی اس لیے پرچم سے ڈرا کرتے ہیں شیخ جی اس لیے پرچم سے ڈرا کرتے ہیں شیخ جی اس لیے پرچم سے ڈرا کرتے ہیں رکھتا ہے پنجہ بھی عباس کی ہیبت کا اثر لگا کر حیدری نعرہ حلال زادوں نے حرام کر دیا جینا حرام زادوں کا جسے نجف جانے کی جتنی تمنا ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے نجف رسا نعرہ نعرہ حیدری رکھتا ہے پنجابی عباس کی ہیبت کا اثر شیخ جی اس لیے پرچم سے ڈرا کرتے ہیں اس سلام کا سب سے نازک شعر آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں ملاحظہ فرمائیے رکھتا ہے پنجابی عباس کی ہیبت کا اثر شیخ جی اس لیے پرچم سے ڈرا کرتے ہیں اپنے سینے سے لگا کر سر مقتل شبیر اپنے سینے سے لگا کر سر مقتل شبیر جون کے حسن کو یوسف سے سوا کرتے ہیں جون کے حسن کو اپنے سینے سے لگا کر اپنے سینے سے لگا کر سر مقتل شبیر اپنے سینے سے لگا کر سر مقتل شبیر جون کے حسن کو یوسف سے سوا کرتے ہیں شیر ملاحظہ فرمائیے ہم ہی تو خون بہاتے ہیں غم سرور میں ہم ہی تو خون بہاتے ہیں غم سرور میں ہم ہی تو اجر رسالت کا ادا کرتے ہیں ہم ہی تو اجر رسالت کا ادا کرتے ہیں ہم ہی تو اجر رسالت کا ادا کرتے ہیں ایک شعر تاریخ کے حوالے سے ملاحظہ فرمائیے مادر وہب نے سر بیٹے کا دے کر یہ کہا مادر وہب نے سر بیٹے کا دے کر یہ کہا جو دیا کرتے ہیں واپس نہ جو دیا کرتے ہیں واپس نہ لیا کرتے ہیں جو دیا کرتے ہیں واپس نہ لیا کرتے ہیں جو دیا کرتے ہیں واپس نہ لیا کرتے ہیں اور مقتے کا بھی شعر ملاحظہ فرمائیے شرر بھائی مقتے کا بھی شعر ملاحظہ فرمائیے کہ جو دیا کرتے ہیں واپس نہ لیا کرتے ہیں ہم حسینی ہیں ہمیں کیوں ہو جنا کی خواہش ہم حسینی ہیں ہم حسینی ہیں ہم حسینی ہیں ہمیں کیوں ہو جنا کی خواہش دل میں جب خلد کے سردار رہا کرتے ہیں دل میں جب خلد کے سردار رہا کرتے ہیں یا علی ہم حسینی ہیں ہمیں کیوں ہو جنا کی خواہش دل میں جب خلد کے سردار رہا کرتے ہیں حضرات آخری میں ایک مطلع دو تین شعر حاضر کرتا ہوں ملاحظہ فرمائیے نجف بھائی شرر بھائی مصرع تھا نادے علی سے دیکھیے طوفان ٹل گیا شعر ملاحظہ فرمائیے جب شام کے اندھیرے میں سورج نکل گیا جب شام کے اندھیرے میں سورج نکل گیا چہرہ منافقین کا کچھ اور جل گیا چہرہ منافقین کا کچھ اور جل گیا مشکل بڑی تھی اس لیے میں بھی سنبھل گیا مشکل بڑی تھی اس لیے میں بھی سنبھل گیا نادے علی سے دیکھیے طوفان ٹل گیا نادے علی سے دیکھیے طوفان ٹل گیا نادے علی سے دیکھیے طوفان ٹل گیا اور سویا ہے شہ کا شیر ترائی پاج بھی سویا ہے شہ کا شیر ترائی پاج بھی کوئی بھی یہ نہ سمجھے کہ پہرا بدل گیا کوئی بھی یہ نہ سمجھے کہ پہرا بدل گیا
कोई भी ये ना समझे कि पहरा बदल गया। और शेर मुलाजा फरमाइएगा जनाब मुख्तार के हवाले से, करबो बला में मुख्तार जनाब मुख्तार के सिलसिले में बस जवानी करने वाले पे लानत दीवाने मुख्तार के। यादे अली से देखिए तूफान टल गया। जनाब मुख्तार के हवाले से शेर मुलाजा फरमाइए, करबोबला में सर जो उठाया था जुल्म ने, करबोबला में। देखिए शायर जनाब अमीर मुख्तार भी तशरीफ फरमाया, आपसे ताईद चाहूंगा, शेर मुलाजा फरमाइएगा, करबोबला में सर जो उठाया था जुल्म ने, करबोबला में सर जो उठाया था जुल्म ने, मुख्तार उन सरों को अकेला कुचल गया। मुख्तार उन सरों को, मुख्तार उन सरों को, मुख्तार उन सरों को अकेला कुचल गया। मुख्तार दोनों हाथ बुलंद करके जिगर की पूरी ताकत से जनाब अमीर की बारगाह में पहुंचने के लिए नारा हैदरी करबोबला में, करबोबला में सर जो उठाया था जुल्म ने, मुख्तार उन सरों को अकेला कुचल गया। बस दो शेर मुलाजा फरमा लें, मुख्तार उन सरों को अकेला कुचल गया। हुर्रे जरी लगाएंगे उनको गले जरूर, हुर्रे जरी लगाएंगे उनको गले जरूर, रोजे पे जो हुसैन के घुटनों के बल गया, रोजे पे जो हुसैन के घुटनों के बल गया, रोजे पे जो हुसैन के घुटनों के बल गया, खैरिल अमल जो करते हैं रब को है वो कबूल, खैरिल अमल जो करते हैं रब को है वो कबूल, दोजख में नाम वालों का सारा अमल गया, दोजख में नाम वालों का सारा अमल गया, दोजख में नाम वालों का सारा अमल गया। अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला, सलाह के साथ दिल मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला, नारा अली। खैरिल अमल जो करते हैं रब को है वो कबूल, दोजक में नाम वालों का सारा अमल गया। मक्ता समाज फरमा लें, जालिम के दिल में खौफ हुसैनी है आज भी, जालिम के दिल में खौफ हुसैनी है आज भी, सुनकर सदाए मातम सरवर दहल गया, सुनकर सदाए मातम सरवर दहल गया। जिंदाबाद पाइंदाबाद, बहुत प्यारा जश्न हो रहा है और माशाल्लाह सोशल साइट्स पर हमारे सारे मोमिनीन मौला के चाहने वाले मुसलसल इस प्रोग्राम को मुलाहिजा कर रहे हैं, देख रहे हैं। मैं उनकी खिदमत में भी गोफ्रामा फाउंडेशन की जानिब से मुबारकबाद पेश करता हूँ। मौला आपको भी सलामत रखें, इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा नशर करें और पूरी दुनिया में कम से कम एक हफ्ते गदीर की महफिलें होना चाहिए। मैं यहाँ से हमारे जमाल साहब का हुक्म है, चार मिसरे जनाब मुख्तार के लिए पढ़ता हूँ। और चूंकि ये वो मिसरे हैं जो मैंने जनाब मुख्तार के हरम में बैठ के कहे थे, मज़लूम करबला के तरफदार जिंदाबाद, मज़लूम करबला के तरफदार जिंदाबाद, ऐ हिम्मतों की बज़्म के जर्रार जिंदाबाद, मज़लूम करबला के तरफदार जिंदाबाद, ऐ हिम्मतों की बज़्म के जर्रार जिंदाबाद, मारूंगा इस तरीके से दुश्मन हुसैन के, अब्बास खुद कहेंगे कि मुख्तार जिंदाबाद, मारूंगा इस तरीके से दुश्मन हुसैन के, अब्बास खुद कहेंगे, अब्बास खुद कहेंगे कि मुख्तार जिंदाबाद। बस आखिर कलाम में मैं ये भी ऐलान करता चलूं कि हमारी फहरिस्त में एक मुतरन्निम शायर बचे हैं, जनाब कल्बे साहब, बहुत प्यारी आवाज़ है, इंशाल्लाह आप सुनेंगे, महसूस होंगे और उसके बाद दुआई कलिमात होंगे और महफिल मुलतवी हो जाएगी। मैं गदीर के हवाले से चार मिसरे पढ़ता हूं कि हर एक चाहने वाले को होश बख्शेगी, हर एक चाहने वाले को होश बख्शेगी, मैं विलाए अली है अदब से पीते रहो, हर एक चाहने वाले को होश बख्शेगी, मैं विलाए अली है अदब से पीते रहो, कुछ इस तरह से मनाओ गदीर की खुशियाँ, हुसैन करबोबला से कहें कि जीते रहो,
कुछ इस तरह से मनाओ गदीर की खुशियाँ। हुसैन कर्बोबला से कहें कि जीते रहो, हुसैन कर्बोबला से कहें कि जीते रहो। ये मैं सिन्फ सुनाता हूँ इसलिए कि इस सिन्फ पे बहुत कम काम हुआ है इस अहद में। ये सिन्फ मौशर है और मैंने कोशिश की है इस पे कहने की। ईमान अली, खान अली और दीन का है सुल्तान अली। ईमान अली, खान अली और दीन का है सुल्तान अली। बेबाक अली, बेमिसल अली, हर मक्तल में रहमान अली। पतवार अली, पैकार अली, पामर्दी की पहचान अली। तकदीर अली, तदबीर अली, तथीर की है मीज़ान अली। सीने से लगा लेंगे तुमको सलमान से बस हैदर बोलो। कुरान मदद फरमाएगा कुरान से बस हैदर बोलो। ईमान को ताकत मिलती है ईमान से बस हैदर बोलो। शजरे का पता चल जाएगा अनजान से बस हैदर बोलो। भाई हाँ भाई ये बड़ी सख्त सिन्फ है, बहुत कम लोग कहते हैं इस सिन्फ में। मैंने कोशिश की है। ईमान अली, खान अली और दीन का है सुल्तान अली। बेबाक अली, बेमिसल अली, हर मक्तल में रहमान अली। पतवार अली, पैकार अली, पामर्दी की पहचान अली। तकदीर अली, तदबीर अली, तथीर की है मीज़ान अली। सीने से लगा लेंगे तुमको सलमान से बस हैदर बोलो। कुरान मदद फरमाएगा कुरान से बस हैदर बोलो। ईमान को ताकत मिलती है ईमान से बस हैदर बोलो। शजरे का पता चल जाएगा अनजान से बस हैदर बोलो। जी होश वही इंसान है बस जो अक्ल का ताला खोल बोलेगा और जो पाक नसब का वारिस है वो हैदर हैदर बोलेगा। सी होश वही इंसान है जो जी होश वही इंसान है बस जो अक्ल का ताला खोलेगा। जो पाक नसब का वारिस है वो हैदर हैदर बोलेगा। मीज़ान अली, हाशिर भी अली, तहरीक अली, तकरीम अली, मरफू अली, हाकिम भी अली, तबरीक अली, ताज़ीम अली, कलमा भी अली, हुज्जत भी अली, आलिम भी अली, ताज़ीम अली, साद भी अली, लारैब अली, मफहूम अली, तफहीम अली। जो लोग सितम के हामी हैं तो उनसे मुरव्वत मत करना। मर जाना बहुत बेहतर होगा, ईमा की तजारत मत करना। मिट जाएगा तेरा नाम निशा इस दर पर सियासत मत करना। ये जाए तफक्कुर है भाई, हर एक से मोहब्बत मत करना। हसनैन के बाबा राजी हो, वो फातह खैबर राजी हो, दुनिया ना मिटा पाएगी उसे जिस शख्स हैदर राजी हो। दुनिया न मिटा पाएगी उसे जिस शख्स हैदर राजी हो। लबरेज़ अली, लबरेज़ अली, दिलखेज़ अली, कुदरत भी अली, कादिर भी अली, मरहूम अली, मासूम अली, है नूर अली, ताहिर भी अली, नासिर भी अली, नाखिद भी अली, गायब भी अली, हाजिर भी अली, जाहिर भी अली, बातिन भी अली, अव्वल भी अली, आखिर भी अली। ये इस्म अली, ये इस्म अली वो इस्म है जो जहनों को तहारत देता है। ये इस्म शरर नकवी, ये इस्म शरर नकवी हमको अल्फाज की दौलत देता है। ये इसमें अली वो इसमें है जो इंसान को इज्जत देता है। हम क्या हैं सुलेमा जैसों को ये नाम हुकूमत देता है। वो भी है अली, ये भी है अली, मुश्किल में हिफाजत होती है। वो भी है अली, ये भी है अली, मुश्किल में हिफाजत होती है। हम नाम अली का लेते हैं, खालिक की इबादत होती है। वो भी है अली, ये भी है अली, मुश्किल में हिफाजत होती है। हम नाम अली का लेते हैं, हम नाम अली का लेते हैं, मुश्किल में हिफाजत होती है। हर लय चूम लूँ तेरा हर सांस चूम लूँ, हर लय चूम लूँ तेरा हर सांस चूम लूँ, जी चाहता है मैं तेरी आवाज़ चूम लूँ। बहुत प्यारी आवाज़ मोहतरम जनाब, कल्बे मुरादाबादी साहब से गुजारिश है कि तशरीफ लाएँ और आप हजरात से गुजारिश है कि बा आवाज़ बुलंद नारा सलावात इरशाद फरमाएँ। बा आवाज़ बुलंद सलावात पढ़ें आप हजरात। वो जिसी को उल्फते आले नबी अच्छी नहीं लगी थी, वो जिसी को उल्फते आले नबी अच्छी नहीं लगी थी, खुदा को ऐसी बदी तर बंदगी अच्छी नहीं लगी थी। तो मैं घर से इसलिए ना दे अली पढ़ कर निकलता हूँ कि मुश्किल को कभी ना दे अली अच्छी नहीं लगी।
मैं घर से इसलिए ना दे अली पढ़ कर निकलता हूँ कि मुश्किल को कभी ना दे अली अच्छी नहीं लगी थी। बाबा से बुलंद सलावत पढ़े आप। एक मतलब और चंद शायर मुलाहिज़ा फरमाइएगा। जमाल भाई देखिएगा, हजारों सजदे वो कर रहे हैं मगर उन्हें ये पता नहीं है। हजारों सजदे वो कर रहे हैं मगर उन्हें ये पता नहीं है। हजारों सजदे वो कर रहे हैं मगर उन्हें ये पता नहीं है। मगर उन्हें ये पता नहीं है अली की उल्फत न हो जो दिल में इबादतों में मज़ा नहीं है। अली की उल्फत न हो जो दिल में इबादतों में मज़ा नहीं है। ओ फरिश्ते क्यों कर सवाल पूछें तेरा अकीदा वो जानते हैं। फरिश्ते क्यों कर सवाल पूछें तेरा अकीदा वो जानते हैं। तेरा अकीदा वो जानते हैं। अंधेरी तुर्बत बता रही है कफन में खाके शिफा नहीं है। याली अंधेरी तुर्बत बता रही है कफन में खाके शिफा नहीं है। और ये शेर देखिएगा जमाल भाई, बहुत हसीन शेर है। कटे सरों से कुरान पढ़ना फकत तुम्हारा ही मौजज़ा है। कटे सरों से कुरान पढ़ना फकत तुम्हारा ही मौजज़ा है। फकत तुम्हारा ही मौजज़ा है। सिना पासर जा के बोलते हो ये हमने अब तक सुना नहीं है। सिना पासर जा के बोलते हो ये हमने अब तक सुना नहीं है। और आज के हवाले से गदीर के हवाले से मुलाहिज़ा फरमाइएगा। गदीर खुम में बना या किसी को रसूल ने मोमिनों का मौला। गदीर खुम में बना या किसी को गदीर खुम में बनाया किसी को रसूल ने मोमिनों का मौला। रसूल ने मोमिनों का मौला। ये शेख जी से जो हमने पूछा तो बोले मुझको पता नहीं है। ये शेख जी से जो हमने पूछा तो बोले मुझको पता नहीं है। बाबा जब बुलान सलावत पढ़िए आप हजरात। और हालात को देखते हुए जैसे आज हालात चल रहे हैं मुलाहिज़ा फरमाइएगा कि आज़ादी के हवाले से हर आदमी कोशिश कर रहा है। अभी हुजूर ये देखिएगा जमाल भाई, ये जिक्र शाह हुदा है लोगों दुआए जहरा का ये असर है। ये जिक्र शाह हुदा है लोगों ये जिक्र शाह हुदा है लोगों दुआए जहरा का ये असर है। दुआए जहरा का ये असर है। हजारों तूफान के दरमिया भी ये गम किसी से रुका नहीं है। हजारों तूफान के दरमिया भी। और मक्तम लाइजा फरमाइएगा, रसूल हक को था जिसने पाला
उसे बताते हैं लोग काफिर रसूल हकीको था जिसने पाला, रसूल हकीको था जिसने पाला, उसे बताते हैं लोग काफिर, उसे बताते हैं लोग काफिर, मैं कैसे मानूं ये बात कलबे के उसने कलमा पढ़ा नहीं है। बाबा जब बोला सलावत पढ़े आप हजरत, और एक मतलब चंद शाह मुलाजा फरमाइएगा कि हर अजादार का असल घर कहाँ, बस एक मतलब और दो अशारों से मुलाजा फरमाइएगा। करबला शामो सहर जाने को जी चाहता है, रदीफ है जी चाहता है, करबला शामो सहर जाने को जी चाहता है, करबला शामो सहर जाने को जी चाहता है, अरे हर आजादार का घर जाने को जी चाहता है, हर आजादार का घर जाने को जी चाहता है। तो इश्क मौला में ये कर जाने को जी चाहता है, इश्क मौला में ये कर जाने को जी चाहता है, अरे जलते शोलों से गुजर जाने को जी चाहता है, जलते शोलों से गुजर जाने को जी चाहता है। और आप अपने ऊपर नाज करें और घमंड करें और गुरूर करें और इस शेर को मुलाहिज़ा फरमाइएगा। देख के शह के आजादार को बोली जन्नत, देख के शह के आजादार को बोली जन्नत, देख के शह के आजादार को बोली जन्नत, अरे अब मेरा और सवर जाने को जी चाहता है, अब मेरा और सवर जाने को जी चाहता है। मैंने तो देख लिया हुस्न अली अकबर को, मैंने तो देख लिया हुस्न अली अकबर को, अरे अब न यूसुफ के शहर जाने को जी चाहता है, अब न यूसुफ के शहर जाने को जी चाहता है। हुर ने बेटे से कहा कैसे मैं दोज़ख में रहूं, हुर ने बेटे से कहा कैसे मैं दोज़ख में रहूं, अरे है जिधर खुल्द उधर जाने को जी चाहता है। हुर ने बेटे से कहा कैसे मैं दोज़ख में रहूं, अरे है जिधर खुल्द उधर जाने को जी चाहता है। शेख जी तुम कहां और शहर का आजादार कहां। अभी हर आजादार बोला ना कि कुछ भी हो जाए चाहे आजादारी की हमें परमिशन जरूर मिलना चाहिए। शेख जी तुम कहां और शहर का आजादार कहां, शेख जी तुम कहां और शहर का आजादार कहां, अरे इनका हर हद से गुजर जाने को जी चाहता है, इनका हर हद से गुजर जाने को जी चाहता है। और अकीदे का शेर मुलाहिज़ा फरमाइएगा। जब से जाना है कि आते हैं लहद में मौला, जब से जाना है कि आते हैं लहद में मौला, अरे है खुशी इतनी के मर जाने को जी चाहता है, जब से जाना है कि आते हैं लहद में मौला, अरे है खुशी इतनी के मर जाने को जी चाहता है।
और मकतब मुलाहिज़ा फरमाइएगा। बीची दरिया में सफीना है मगर कलबे, बीची दरिया में सफीना है मगर ये कलबे, अरे याली कह के उतर जाने को जी चाहता है। बीच दरिया में सफीना है मगर ये कलबे, याली कह के उतर जाने को जी चाहता है। अपने मरकज की तरफ जाने को जी चाहता है, अपने मरकज की तरफ जाने को जी चाहता है, बूतराबी हूँ नजफ जाने को जी चाहता है। आइए हजरात, ये शोराए कराम का सिलसिला मुलतवी हुआ और आखिर में दुआ के लिए मैं आवाज़ दूँ। इससे पहले मैं फिर गुजारिश करूँगा तमाम मौलाइयों से, जहाँ जहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँच रही है या पहुँचेगी, और कल भी जश्न होगा, ये हफ्ता विलायत है। मुमताज़ुल उलमा हुज्जतुल इस्लाम सैफ अब्बास साहब क़िबला की मेहनतें हैं, मौला इनको सलामत रखे और तूल उम्र इनायत फरमाए, और ताकि ये इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते रहें। 14 अगस्त तक मुसलसल महफिल का सिलसिला है और इसका उनवान है हफ्ताए विलायत। बहुत बेहतरीन उनवान है और इंशाअल्लाह सबको अमल करना चाहिए, इसलिए कि हमारी पहचान है गदीर, हमारी जान है गदीर, हमारी शान है गदीर, हमारा ईमान है गदीर, हमारी आइडेंटिफिकेशन का नाम है गदीर। बस खुश व खुर्रम रहें ये जश्न मनाने वाले। उस्ताद मोहतरम मौजूद संभली साहब फरमाते हैं, खुश व खुर्रम रहें जश्न मनाने वाले, शाद आबाद रहें हमको बुलाने वाले। इलाही आमीन तो कहिए। खुश व खुर्रम रहें जश्न मनाने वाले, शाद आबाद रहें हमको बुलाने वाले, साल आइंदा करें फिर ये खुशी की महफिल, सब सलामत रहें इस बज़्म में आने वाले। आइए आखिर कलाम के लिए, बहुत शुक्रिया, आखिर कलाम के लिए हुज्जतुल इस्लाम शम्सुल हसन रिज़वी साहब क़िबला से गुजारिश है कि वो तशरीफ़ लाएँ और दुआया कलिमात इरशाद फरमाएँ। आप हज़रात से गुजारिश है कि उनके इस्तक़बाल में बावाज़े बुलंद नारे सलावात इरशाद फरमाएँ। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयिल अज़ीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا وشفينا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين। अज़ीज़ान मोहतरम, सूरह मायदा की बड़ी मशहूर और मारूफ आयत, परवरदिगार कह रहा है पैगंबर जो हुक्म दिया गया है आप उस पैगाम को पहुंचा दीजिए, अगर आपने ये काम नहीं किया तो गोया उसके पैगाम को पहुंचाया ही नहीं। अल्लाह आपको लोगों के शर से महफूज रखेगा, अल्लाह काफिर कौम की हिदायत नहीं करता। मैं हज़रात की खिदमत में ज़्यादा वक्त न लेते हुए एक चीज़ की तरफ मुतवज्जे करना चाहता हूँ कि आम तौर से शायद लोग न जानते हों, बिला तमहीद हमारे यहाँ आमालो इबादतो वाजिबात हों या मुस्तहबात, हर जगह इमाम हुसैन की ज़्यारत ज़रूर मिलेगी। इंतहा तो ये है कि ईदैन के आमाल में इमाम हुसैन की ज़्यारत का पढ़ना मुस्तहब करार दिया गया है, लेकिन गदीर में इमाम हुसैन की ज़्यारत नहीं मिलेगी। गदीर के आमाल में इमाम हुसैन की ज़्यारत नहीं मिलेगी, इसलिए कि इमाम हुसैन ने ख़ुद फरमा दिया है
कि मुझे नहीं याद करेगा मोमिन मगर रो देगा, क्योंकि ईद सईद, ईद गदीर, ईद अकबर, ईद आज़म है। इस दिन, इस ईद के दिन शैतान इकमाल दीन, इतमाम नेमत, रज़ाए खुदा और ऐलान विलायत बिलाफस मौलाना अली इब्ने अबी तालिब की वजह से तमाम मायूसियों का शिकार होकर रोने लगा था। लिहाजा हमारे मसहब ने यह न चाहा कि मोमिन के आंसू शैतान के आंसू से मिलने पाए। लिहाजा आमाले गदीर से ज़ियारत इमाम हुसैन को हटा दिया। ये ईद एक मोमिन के लिए हर तरह ईद साबित हो और ईद गदीर की इनफरादियत बाकी रहे। तवज्जो ज़िंदानेगरामी, ईद गदीर की इनफरादियत बाकी रहे। अब आप समझे गदीर शैतान के रोने का दिन है। गदीर शैतान के रोने का दिन है। ईद गदीर मुनाफिकीन के रोने का दिन है। ईद गदीर मुनाफिकीन के रोने का दिन है। और ईद गदीर यानी गदीर नुज़ूल नेमत उज़्मा का दिन है। गदीर फरिश्तों की मसर्रतों का दिन है। तवज्जो ज़िंदानेगरामी, पढ़ा लिखा मजमावत, गदीर फरिश्तों की मसर्रतों का दिन है। गदीर मुबल्लिग़ गदीर हादी अकबर मुरसल आज़म हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशियों मसर्रत का दिन है। गदीर साहिबान ईमान के हंसने का दिन है। गदीर साहिबान ईमान के तवज्जो दें, गदीर साहिबान ईमान के हंसने का दिन है। गदीर सलमानो अबू जहर के कहकहों का दिन है। गदीर सलमानो अबू जहर के कहकहों का दिन है। गदीर मवालियाने अहले बैते कराम के तबस्सुम का दिन है। इसीलिए मैं कहता हूँ इस ईद सईद को इस तरह मनाओ कि दूसरी ईदें पशेमान और शर्मिंदा हो जाए। ईद के जुमला लवाजमात फराहम करने की कोशिश कीजिए। बच्चों को नए मलबूसात पहनाइए, मिठाइयाँ तकसीम कीजिए। तवज्जो जाने करा भी, मिठाइयाँ तकसीम कीजिए ताकि ये बच्चे ईद गदीर की मसर्रतों के साए में जवान होकर के विलायत अली का हक अदा कर सके। हमारे समाज, सुनिए, हमारे समाज के अफराद दूसरी ईदों को भूलें तो भूल जाएं। हमारे समाज के अफराद दूसरी ईदों को भूलें तो भूल जाएं, लेकिन ईद गदीर ज़िंदगी के किसी मरहला में न भूलें।
पैगंबर इस्लाम ने रिसालत माब ने गदीर में नजात का बीमा किया। अब जिस तक गदीर का लिफाफा पहुँचे नबूवत की सील मुहर देख ले, अगर टूटी हुई है तो माल बदला गया है। अगर टूटी हुई है तो माल बदला गया है। अगर सील मुहर दुरुस्त हो तो ले लीजिए, जैसा माल भेजा गया था वैसा ही पहुंच गया। अजीजो तवज्जो, अजीजो ये अजान में अशहदो अलियों वलीउल्लाह नहीं है, ये ऐलान गदीर का ऐलान है। ये अजान में अशहदो अलियों वलीउल्लाह नहीं है, ऐलान गदीर है। हैया अला खैरिल अमल नहीं है, ये गदीर का असली माल होने का दलील है। हैया अला खैरिल अमल नहीं है, गदीर का असली माल होने की दलील है। अल्लाह रे गदीर की, अल्लाह रे गदीर मजहब का माल गदीरी दुकानों के अलावा दो तीन दुकानों पर और मिलता है। पढ़े लिखे मजमा है, मजहब का माल तवज्जो, मजहब का माल गदीरी दुकानों के अलावा दो तीन दुकानों पर और मिलता है। अल्लाह रे गदीर की धमक कि बोर्ड बदलना पड़ा, हमारा बोर्ड अब भी वही है। हय्याला खैरिल अमल, सुनिए बस, एक बात की तरफ मुतवज्जे करना चाहता हूँ। अमले खैर विलायत वो खिलाफत अली नहीं है, अमल खैर नमाज है, नमाज। खिलाफत और विलायत अली उस नमाज की रूहो जान है। पढ़ा लिखा मजमा है, खिलाफत अली और विलायत अली उस नमाज की रूहो जान है। क्यों? अगर विलायत अली नहीं है तो नमाज नमाज नहीं है, रोज़ा रोज़ा नहीं है। बेहुब्बे अहले बैत इबादत हराम है, जाहिद तेरी नमाज को मेरा सलाम है। बाज़ीज़ाने गरामी, खिलाफत हो विलायत हो वसायत हो यमामत हो, ये अकीदा है अमल नहीं है, ये अकीदा है अमल नहीं है। जब विलायत अली से परवरदिगार इस्लाम से राजी नहीं हो सकता तो विलायत अली के बगैर मुसलमानों से कैसे राजी हो जाएगा? बस मैं बात को तमाम कर रहा हूँ इसलिए कि आप हज़रात, फिर कभी मौका मिलेगा इंशाअल्लाह सुनाऊंगा, लेकिन आज सिर्फ इतना, क्योंकि जलसे खिलाफत गैर मामूली था, हर जबान पर इसका तस्करा था, हर जगह हर नशिस्त में यही एक तस्करा काबिल ज़िक्र था। अपने अपने घरों तक पहुंचने में लोगों को इसी जलसे की वजह से देर हुई थी, लाजमन इसका तस्करा होता रहा। करिए करिए बस्ती बस्ती, शहर शहर, गली गली, चमन चमन, कली कली, अली 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 अली। बस परवरदिगार आलम से यही दुआ है, मालिक ये गुफरमान फाउंडेशन और हुज्जतुल इस्लाम जनाब मौलाना साहेब साहब क़िबला काबा जो जो काम किया है, परवरदिगार और ये जितने मोमिनीन हैं इन सब के तौफीकात में इजाफा फरमा, इन सब को तूले उम्र इनायत फरमा। बिल्कुल सही है, जो अहले बैत के लिए एक कदम बढ़ाता है अहले बैत उसको 100 कदम आगे बढ़ाते हैं। बहुत बड़ा काम किया है, इसीलिए परवरदिगार आलम को जो इज्जत व शरफ अता किया है, अब जलने वाले तो उससे जलते ही रहते हैं जिसका नाम ऊंचा होता रहता है, लेकिन जो अहले बैत के लिए करता है, जलने वाले जलते रहेंगे, करने वाला करता रहेगा। परवरदिगार आलम इसी नबी औली के वसीले से दुआ करता हूँ, आइंदा साल इसी शान व शौकत से
जश्न करने की, जश्न पढ़ने की, जश्न मनाने की बेहतर से बेहतर तौफीकात इनायत फरमाना। इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा और हम सबको उनके आवानों अनसार में शुमार फरमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाहा वमलाइकतुहु युसल्लूना अलन्नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लमू तस्लीमा।